याद है मार्च 2020 सब कुछ खत्म सा होने लग गया था। उस समय कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन भी लगा, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी भी गई, जहां सेंसेक्स निफ्टी काफी लो लेवल पे देखे गए। निफ्टी की वैल्यू की बात करते हैं तो 7500 का लेवल टच भी किया। उस समय आपको मालूम है निफ्टी का पी कहां तक पहुंच गया था गिरावट में? निफ्टी का पी आप देखोगे 23-24 मार्च के आसपास 17-17.5 पे आ चुका था, जहां हमने देखा एक साल के अंदर सब कुछ खत्म से सब कुछ बढ़िया हो गया। निफ्टी की वैल्यू 18600 पहुंच गई 7500 से, और जहां निफ्टी पी 17-18 पे आ चुका था, वही निफ्टी का पी 28-29 पे चला गया। यानी जब निफ्टी का पी 17-18 पे आया, जब इतना डर का माहौल, जब इतना अनसर्टेनिटी थी, जो मार्केट है वो अनसर्टेनिटी जोन में पहुंच गया, उसको कुछ नहीं पता कि यहां से क्या होने वाला है, मतलब सब कुछ खत्म जैसा एहसास होने लग गया लोगों को, जिस वजह से 17-18 का पी आया। जब मार्केट 18600 पे गया निफ्टी की वैल्यू, उस समय निफ्टी का पी 28-29 पे चला गया, यानी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ ऐसा हो गया भगवान जाने अब क्या होने वाला है, ऐसा एहसास मार्केट कराता है कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर ऐसे तस्वीर बदल जाती है, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे सेम अभी ऐसा ही हो रहा है, पूरा चारों ओर हम देखते हैं डर का माहौल है। पता नहीं खबरें आप सुनोगे तो क्या क्या खबरें निकल के आ रही है, जिस वजह से जो 28-29 का पी निफ्टी को मिलता था, हाईएस्ट में अभी जो गया है, जिसको हम ओवरबोट जोन भी बोल सकते हैं, वो अब आ चुका है 20 से बिलो, यानी 19.80 के आसपास, यानी वही कंडीशन होने वाली है जो कोविड-19 के समय पे हुई थी, जब 17-18 जो एक फियर जोन है, जहां पे निफ्टी पी पहुंच गया था, वही ऑलमोस्ट निफ्टी पी आने वाला है। तो इस बात का आपको समझना है कितनी जल्दी मार्केट बदलता है, जैसे ही हवा चेंज होती है मार्केट की तस्वीर चेंज होने लग जाती है। यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो निफ्टी खड़ा है यहाँ पे, जो पी निफ्टी का खड़ा है, आप दोनों को मैच कीजिए, 2020, 2021 और 2022 तीनों की तस्वीर आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, तीनों को आप देखिए, तीनों के निफ्टी पी को आप देखिए कि मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करता है कितनी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मैं निफ्टी की बात करता हूं तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 15650, सेकंड 15450, थर्ड 14900, और 14900 ब्रेक हुआ तो लास्ट सपोर्ट निकल के आता है 14200। अब यहां आप देखते हैं 15850 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है और 14200 तक की हम बात कर रहे हैं, तो यानी ऑलमोस्ट 10-12% की गिरावट अभी भी हो सकती है, ऐसा सपोर्ट बताता है टेक्निकल सपोर्ट। यहां से अगर 10-12% गिरता है तो निफ्टी का पी जो फियर जोन में 2020 में चला गया था 17.5 के आसपास, वही जोन आ जाता है, यानी वही निफ्टी अगर 14200 आता है तो जो निफ्टी का पी है वो आपको लगभग 17.5 के आसपास आपको दिखाई देगा, ये आपको मार्केट में समझना होगा। और अगर 14200 के आसपास मार्केट आ गया तो तुरंत रिकवरी पॉसिबल है, जैसे 2020 के अंदर देखा गया, क्योंकि तस्वीर जो बदलती है वो बहुत जल्दी नहीं बदलती है। ये जो मार्केट गिरता है, ये जो लेवल आते हैं 17-18-19 का पी जो दिखाई देता है, ये फियर जोन में दिखाई देता है, यानी सब कुछ खत्म होने वाला है। समझने वाली बात यही है कि ये मार्केट का रिएक्शन है, हर समय मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसा ही रिएक्ट करता है। जैसे ही निफ्टी का पी 23-24 आ जाएगा, उस समय सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, यानी सब कुछ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आएगा, जिस वजह से जो वैल्यू है वो हायर में नजर आने लग जाएगी। अब लगेगा लोगों को कि निफ्टी 20 होने वाला है, निफ्टी 22 होने वाला है, निफ्टी 25 होने वाला है, जिस समय गिरता है निफ्टी खत्म हो जाएगा, जिस समय बढ़ता है निफ्टी यहां से बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब सिनेरियो बनते रहते हैं जैसे ही जिस साइड में हवा चलने लग जाती है, वो आपको समझना है। अब हमने यहां पे निफ्टी की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे दो शेयर्स के बारे में, फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस एंड सेकंड इज इंफोसिस। जहां पे हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो करंट प्राइस चल रही है 5600 रुपए, जहां पे इसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों से मैं वैल्यू बता देता हूं। टेक्निकल की बात कर लेते हैं पहले, जहां पे इंपॉर्टेंट रेंज 5900 रुपए थी, वो ब्रेक कर चुका है शेयर, वहां से नीचे आ चुका है। 5900 जैसे ही ब्रेक किया है शेयर ने, इसके बाद जो सपोर्ट फर्स्ट निकल के आता है वो आता है 5250, सेकंड सपोर्ट निकल के आता है 4300 रुपए। ये दो सपोर्ट निकल के आते हैं, जहां पे
रिवर्स कब होगा ये शेयर? जब तक 6000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, जब तक इसमें रिवर्सल के चांस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। यहां पे हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो करंट पी चल रहा है लगभग 48 का। हिस्टोरिकल मीडियन पी देखते हैं, पिछले 10 साल का 48, 5 साल का 52, 3 साल का 54, 1 साल का 83। यहां पे जो करंट पी चल रहा है वो हिस्टोरिकल 10 साल का पी जो होता है उसके आसपास चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। बाकी 5 साल, 3 साल, 1 साल उससे नीचे ही चल रहा है, तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पे 10 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग के आसपास चल रहा है, तो इसको बेस्ट बाय बोल सकते हैं। नीचे लो में कहां तक चला जाता है? वो चला जाता है 38 का। करंट ईपीएस चल रहा है 116 का, जिसको लो पी, यानी जो ये मार्केट की कंडीशन है, अगर ये और बिगड़ती है तो लो पी 38 के आसपास आता है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 4408 रुपए। तो यहां तक बजाज फाइनेंस का शेयर जा सकता है। खास बात यह है, जो सपोर्ट 2 है बजाज फाइनेंस का टेक्निकल लेवल, वो भी 4300 रुपए के आसपास निकल के आता है, और फंडामेंटल में लो पी के हिसाब से भी ये 4408 रुपए का वैल्यू निकल के आता है। तो यहां पे अगर ये गलती से भी 4500 की रेंज में आता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं, एक स्ट्रांग बाय बोल सकते हैं। जहां पे सेकंड शेयर की बात करते हैं, इंफोसिस की। इंफोसिस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1509 रुपए, जबकि हमने लेटेस्ट में वीडियो बनाया है जब इसकी वैल्यू चल रही थी 1850 रुपए के आसपास, जब क्लियर इसकी फेयर वैल्यू हमने निकाल के बताई थी 1400 कुछ रुपए के आसपास। जहां पे हम टेक्निकल बात करते हैं फिलहाल, तो टेक्निकल ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1530 का, ये ब्रेक कर चुका है, इससे नीचे शेयर आ चुका है 1509 के लेवल पे। सपोर्ट 1 निकल के आता है 1360 का, इससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट 2 निकल के आता है 1310 रुपए का। फंडामेंटली हम बात करते हैं, फंडामेंटली से पहले ये रिवर्स कब करेगा दोबारा? जब तक 1640 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक ये रिवर्स नहीं करेगा शेयर। फंडामेंटल हम बात करते हैं तो करंट पी चल रहा है 29 का। हिस्टोरिकल मीडियन पी कंपनी का पिछले 10 साल का 19 का निकल के आता है, 5 साल का 21 का, 3 साल का 27 का और 1 साल का 35 का, जबकि करंट पी आप देखते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल अभी भी इनसे काफी ऊपर है। यानी कभी भी आईटी शेयर, इंफोसिस ही नहीं, इंफोसिस के अलावा आप चाहे वाली, आप टीसीएस देख लो या अदर कोई आईटी कंपनी देख लो, मैक्सिमम आईटी कंपनीज को हिस्टोरिकल जो प्राइस टू अर्निंग मिलता है उसको ब्रेकआउट करके ये काफी हद तक ऊपर चले गए थे। फिलहाल आप देखते हैं तो ये 1 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग से कम है, पर 10 साल, 5 साल, 3 साल अभी भी उनसे काफी ऊपर है। तो यहां पे एक पैनिक अभी भी क्रिएट हो सकता है। जहां पे लो की हम बात करते हैं तो सपोर्ट ये ले सकता है 24-25 का, क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देखते हैं 3 साल और 5 साल का, तो वहां 21 का निकल के आता है 5 साल में और 3 साल का निकल के आता है 27 का। तो यहां पे एक सपोर्ट लेना चाहिए 24-25 का। 24-25 का ये सपोर्ट लेता है तो इसका जो करंट ईपीएस चल रहा है वो लगभग 52.5 का चल रहा है, जिसको आप 25 भी लेता है तो 25 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1312.50 रुपए। जबकि टेक्निकल लेवल जो हमने बताया है आपको सपोर्ट सेकंड, वो भी 1310 निकल के आती है। तो दोनों शेयर में ये खास बात है, बजाज फाइनेंस 4400 रुपए तक जा सकता है अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, पैनिक क्रिएट होता है, और इंफोसिस का शेयर 1310 रुपए के लेवल पे आ सकता है अगर बाजार में पैनिक क्रिएट होता है। जहां पे मैंने आपको बता ही दिया है निफ्टी 19.8 के पी पे आ चुका है, पैनिक में ये 17.5 तक चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 14,500 तक हो जाती है। इंफोसिस बजाज फाइनेंस की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, पैनिक में ये 4400 आ सकता है, इंफोसिस 1310 आ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर ये वैल्यू यहां तक पहुंच जाती है तो तुरंत इनमें रिकवरी पॉसिबल है, जैसा 2020 में देखा गया, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। हवा बदलने में समय नहीं लगता, जैसे ही हवा बदलेगी सब चीजें दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, जैसे ये चीजें गिरी है वैसे ही चीजें दोबारा से भागेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास पड़ा है, लंबे समय के लिए लिया है, 2 साल, 3 साल या उससे ज्यादा, तो घबराने वाली बात है ही नहीं। अगर आपको एवरेज करना है तो इन लेवल का आप ध्यान दे सकते हैं, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।